हाय एवरीवन, मैं हूं साइली और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मी क्या है और उसे इजी होम डेकोर के लिए कैसे यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मी डिजाइंस यूज करके आप किसी भी पुराने सरफेस को एक नया लुक दे सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है ड्रेस माई क्राफ्ट का न्यू लॉन्च ट्रांसफॉर्मी। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही यूनिक लगा, क्योंकि ये यूज करने के लिए बहुत इजी है और दूसरी बात, ये आप किसी भी सरफेस पे यूज कर सकते हैं, लाइक वुड, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या फिर लेदर। ट्रांसफॉर्मी शीट्स में अलग अलग डिजाइन्स अवेलेबल है, जैसे कि विंटेज टाइल्स, विंटेज एलिमेंट्स, कॉफी टाइम और बहुत सारे। एक शीट का प्राइस है 125 रुपीज और इसके कॉम्बोज भी अवेलेबल है, जिसमें आप एक साथ 4 या 5 शीट्स ले सकते हैं। इसके सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक वुडन बेस, जिसे हम व्हाइट जेसो से कवर करेंगे। जेसो एक प्राइमर की तरह काम करता है, और अगर आपके पास व्हाइट जेसो नहीं है तो आप व्हाइट एक्रेलिक कलर भी यूज कर सकते हैं। इसे पूरा कवर करने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद हम इस पे ट्रांसफॉर्मी यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने ड्रीम डोर का डिजाइन लिया है। आपको जो भी डिजाइन पसंद आएगा उसे आपको कट करके लेना है। यहाँ मैंने पहले ही डिजाइन को ट्रांसफर किया है, अभी देखते हैं कि ये कैसे करना है। मैंने सेम शीट से ये डिजाइन कट करके लिया है। अभी इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट लेयर है उसे आपको रिमूव करना है। इसे रिमूव करने के बाद हम इसे पानी में डिप करेंगे। पानी में आपको 10-15 सेकेंड्स के लिए डिप करना है और शीट का फेसिंग जो है वो अपसाइड डाउन होना चाहिए। अब हम इसे सरफेस पे रखेंगे और डैप करेंगे। यहाँ पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस हल्के से करना है। यहाँ मैं ड्राई ब्रश यूज कर रही हूँ। इसके बाद हम इसे हल्के से स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इमेज हमने लिया था वो ट्रांसफर्ड हो चुका है। अभी सेम प्रोसीजर से हम ये बटरफ्लाई डिजाइन को भी ट्रांसफर करेंगे। अगर ये इजीली स्लाइड नहीं होता है तो आप थोड़ा पानी और यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ और डिजाइन्स भी ऐड किए हैं और इसे कंप्लीट करने के लिए मैं कुछ कलर्स ऐड करूंगी, जैसे कि ग्रीन और ब्लैक।
कलर्स ड्राई होने के बाद हम लास्ट में इसमें अप्लाई करेंगे वार्निश। और ये वुडन बेस जो है वो रेडी है। आप इसे वॉल पे लगा सकते हो या फिर डिस्प्ले स्टैंड पे भी रख सकते हो। सेम प्रोसीजर से मैंने ग्लास बॉटल भी डेकोरेट किया है। और एक स्मॉल वुडन बेस है, उसे भी डेकोरेट किया है। यह प्लास्टिक का मोबाइल कवर जो कि बहुत ही पुराना है और इससे भी मैंने डेकोरेट किया है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना।